तो हाय दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल फिल्मी अपडेट्स में सबका स्वागत है। और आज आप सभी मेरा थंबनेल देखकर यह आए। और तो आज हम नेटफ्लिक्स की एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है यू। यू इसका नाम है सीरीज़ का। और ये यू क्या है, कैसी वेब सीरीज़ है, अच्छी या बुरी, ये सब का जवाब आज मैं आप इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मेरी एक गुजारिश है कि लास्ट तक ये वीडियो देखें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और तो चलिए हम करते हैं नेटफ्लिक्स की यू वेब सीरीज रिव्यू। तो बेसिकली ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये वेब सीरीज हमें लव, रोमांस और क्राइम का मिश्रण हम कह सकते हैं इसको। इस वेब सीरीज के दो सीजन है और दोनों सीजन में 10-10 एपिसोड है और एक एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और यह सीरीज आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। और ईच एपिसोड इंटरेस्टिंग है और इसकी बहुत अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से कास्ट किया गया है। और स्टोरी में और इस कैरेक्टर्स बहुत अच्छे और जो कि हमें बोर नहीं करते और लास्ट तक हमें बांध के रखते। ये सीरीज ही मतलब कमाल की सीरीज है। और मुझे गारंटी के साथ मैं आपको सब कह सकता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे इस सीरीज में। तो इसमें कैरेक्टर है कि जोई नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि बोनी नाम के एक अंकल निम्स को पाला है। और इसका बचपन एक लाइब्रेरी का है, मतलब स्टोर में काम करने के लिए इसको रखा गया था, उसके माँ बाप नहीं है। और इसको एक बोनी अंकल ने बहुत टॉर्चर किया है। और इसको ये पता चलता है कि ये थोड़ा सा फिर और इस कैरेक्टर को हम देखें तो अभी है। और इसको टॉर्चर किया है मतलब कि इसका मेन कैरेक्टर पता चलता है कि ये थोड़ा साइको है, साइको टाइप का है। और अगर ये किसी से प्यार करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब मर्डर भी। तो इसमें बहुत सारे मर्डर उसने किए। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत सारी रोमांस, सेक्स, ड्रामा सब कुछ है। और लेकिन लास्ट में इतना ही कहूँगा, आप इस सीरीज़ को देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और एक बार एक आप फर्स्ट एपिसोड भी देख ले तो आपको पूरा सीरीज़ देखना पड़ेगा, मतलब ऐसा मैं आप ही कहोगे। क्योंकि आपको एक एक मतलब आपको आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा इस सीरीज़ में। और ये इसी कारण से ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई और बोर नहीं हुआ मैं। लास्ट तक मैंने इसको देखा और मैंने पूरी तरह इस सीरीज़ को देख लिया। और लास्ट का एंडिंग में इसका मुझे अच्छा लगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये सीरीज़ बहुत दिनों के बाद अच्छी सीरीज़ मुझे देखने को मिली। इसलिए मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ को आप ज़रूर देख लें एक बार। और आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही रिव्यू के लिए मुझे कमेंट कीजिए। और आपको कौन सी मूवीज़ देखनी है, कौन सी नहीं, मुझे उसका रिव्यू देने के लिए मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और नहीं कहूँगा लास्ट में कि इस सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर देख ले। और इसको मैं 10 में से 9 स्टार्स ज़रूर दूंगा क्योंकि बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसका कास्ट भी बहुत अच्छे किया है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। और आज का इस रिव्यू को मैं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।